नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एडुकेशनल हब। दोस्तों आज हम लोग LCM सीखेंगे, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग लघुत्तम समवर्तक भी कहते हैं। दोस्तों यह हर महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाने वाला यह टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है 12, 15, 18। तो दोस्तों इसका LCM निकालना है। तो दोस्तों इसको बेसिकली बच्चों इसको ऐसे निकालते हैं, 2 से, फिर 3 से, फिर आगे आगे इसी तरह निकालते हैं। दोस्तों ऐसे नहीं करना हमें, यह बच्चों का तरीका है। दोस्तों यह है 12। दोस्तों 12 को हमने छोटा से छोटा फैक्टर के रूप में लिखना है। तो जैसे हम लोग 2 × 2, 4 × 3, ये 12 आ गए। 2 × 4 × 3 12 आ गया। इनको छोटा से छोटा फैक्टर के रूप में लिखना है। उसके बाद दोस्तों ये 15 है। दोस्तों 15 को हमें इसी में एडजस्ट करना है, इसी में। तो इसका फैक्टर करते हैं। दोस्तों अगर बड़ा संख्या हो तो शायद हम ऐसे फैक्टर करते हैं, 15 × 5 × 3 15। तो दोस्तों इसको हमें इसी में एडजस्ट करना है। दोस्तों 1, 3 इसमें पहले से है, अगर हम 5 इसमें डाल दें तो ये 15 हो जाएंगे। फिर उसी तरह दोस्तों 18 को भी हमें इसी में एडजस्ट करना है, इसी में। 18 को दोस्तों हम लोग 3 × 3 9 × 2 18। तो दोस्तों इसमें देखेंगे 3, 1 पहले से, अगर 1 हम 3 डाल दें तो ये 2, 3 इसमें हो जाएंगे, और 1, 2 तो पहले से ही। दोस्तों ये हो गए। दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे, 2 × 2 4 × 3 ये 12 आ गया, 15। 3 × 5 ये 15 आ गया, 18। 3 × 3 9 × 2 18। तो ये आ जाएंगे 180। अगला लेते हैं दोस्तों अगला है ये। दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान देना है, जो काटने वाली संख्या हो उसे हमें नहीं लेना है। क्या है? काटने वाली संख्याओं को नहीं लेना है। जैसे 8 किसी को काट रहा है, 8 16 को काट रहा है, तो 8 को हमें नहीं लेना है। 12 किसी को काट रहा है, 12 24 को काट रहा है, तो हमें 12 को नहीं लेना है। काटने वाली संख्या को नहीं लेना है, जो संख्या दूसरे को काटे, काटने वाली संख्या को नहीं लेना है। उसके बाद 15 किसी को काट रहा है, नहीं काट रहा है, 16 काट रहा है किसी को, नहीं काट रहा है। तो यहां से अब इन तीनों का LCM निकाल देंगे इनका। तो इसको हम 15 को दोस्तों हम 5 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, 16 को दोस्तों हम 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16 18 को दोस्तों 18 को हमें इसी में एडजस्ट करना है। तो 18 का हम साइड में फैक्टर कर लेंगे, 3 × 3 9 × 2 18। दोस्तों इसमें चेक कर लेंगे, जो नहीं है इसमें डाल देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 3 और 3 2 3 इसमें है, 1 3 है, अगर 1 3 और इसमें डाल दें, और 1 2 2 तो पहले से है, ये 18 भी हो गया। अब दोस्तों 24 बचा है। दोस्तों 24 का भी साइड में फैक्टर कर लेंगे, 24 को हम लोग 8 × 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 2 × 2 4 × 2 8 × 3। अब दोस्तों इन सब को इसी में एडजस्ट करना है, जो है ठीक है, अगर जो नहीं है उसमें डाल देंगे। 1 2 और 3 3 2 इसमें है, अगर 3 2 है, 3 2 ये रहा, और 1 3 भी है, 1 3 भी है, हो गया। इसमें किसी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इनका LCM तो दोस्तों ये आ जाएंगे 720। अगला लेते हैं एक और, अगला है तीसरा है 25, 35, 25 और 45 का LCM निकालना है हमें। तो दोस्तों छोटा से छोटा फैक्टर के रूप में सबको लिखना है। 25 को हमने 5 × 5 के रूप में लिख सकते हैं, 35 को दोस्तों हम लोग 7 × 5 के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों 5 इसमें से पहले से, अगर हम 7 डाल दें तो ये 35 भी आ जाएगा। तो दोस्तों फिर से 25, 5 × 5 25 तो है, और 45 को दोस्तों हम लोग
तीन गुने तीन 9 × 5 = 45। दोस्तों 5 इसमें से, 5 इसमें पहले से हैं, अगर 2 3 इसमें डाल दें 3 × 3 तो ये आ जाएंगे 45। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 1575। दोस्तों एक और सवाल करते हैं। दोस्तों अगला है ये, दोस्तों इसमें ध्यान रखना है काटने वाली संख्या को नहीं लेना है। जैसे 4 किसी 8 को काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, तो 4 को हमें नहीं लेना है। 6 किसी को काट रहा है, 6 12 को काट रहा है, 6 हमें नहीं लेना है। 8 किसी को काट रहा है, 8 किसी को नहीं काट रहा है ये। तो दोस्तों हमें काटने वाली संख्या नहीं लेना है। अगर दोस्तों बाय चांस गलती से हम काटना भूल गए या याद नहीं रहा, तो इन दोनों संख्या लेने से भी आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 को दोस्तों हम 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 8 हो गए। 10 को दोस्तों 2 इसमें से पहले है, अगर 5 इसमें हम डाल दें तो ये 10 भी हो जाएंगे, 8 भी हो गए, 12। दोस्तों 12 होता है 4 × 3, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और 3 2 2 तो इसमें पहले से है ही, अगर 1 3 डाल दें तो ये 12 भी हो जाएगा। और दोस्तों 15 को हम 5 × 3 लिख सकते हैं, तो 5 इसमें से पहले से, 3 इसमें पहले से ही तो हो गए। दोस्तों एक बार चेक कर लेंगे। दोस्तों जैसे 2 × 2 = 4 भी है, 6 2 × 3 = 6 भी है, 8 2 × 2 = 4 × 8 8 भी है, 10 2 × 5 = 10 भी है, इसमें 12 2 × 2 = 4 × 3 = 12 भी है, और 15 3 × 5 = 15 भी है। तो दोस्तों ये हो जाएंगे 120। अगला सवाल एक और लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये है, 2 × 10 × 2 × 15 × 3 × 15 × 3 × 20। तो दोस्तों इसमें देखना है सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, 2 का सबसे ज्यादा पावर इनके पास है, तो 2 × 15 × इसके पास 10 है, ये नहीं लेंगे, ये हो गया। और 3 के और 3 का सबसे ज्यादा पावर इनके पास है, तो ये 3 × 20। दोस्तों ये हो गया इसका एलसीएम। दोस्तों अगला और लास्ट लेते हैं, 2.5 3.5 और 3.5 का एलसीएम निकालना है हमें। दोस्तों इसको हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25/10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे शून्य आ जाएंगे, उसी तरह इसके भी, इसके ये 10 आ जाएंगे, उसी तरह इसके भी ये 10 आ जाएंगे। दोस्तों एक जगह सुधार लेना है, ये पॉइंट यहां पे है, यहां पॉइंट नहीं है, तो ये 100 हो जाएंगे, 100। अब दोस्तों इसमें ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना और नीचे वाले का एचसीएफ। दोस्तों एचसीएफ में अगली वीडियो बना दूंगा पूरी। तो दोस्तों ये हो जाएंगे 25, 5 × 5 = 25 हो जाएंगे, और 35। दोस्तों 35 को दोस्तों हम 5 × 7, 5 यहां पे है और 7 अगर डाल दे तो ये 35 हो जाएगा। और दोस्तों ये 35 ये तो हो गई, और नीचे दोस्तों इनका एचसीएफ आएगा 10, तो ये हो जाएंगे दोस्तों, दोस्तों ये आ जाएगा 175/10। दोस्तों ये हो जाएंगे 17.5। तो है ना दोस्तों कितना आसान एलसीएम। दोस्तों अगर आपको एलसीएम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मुझे इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, मिलते हैं अगली वीडियो में।